वेलकम वेलकम टू माय चैनल विश्वजीत रिसर्च सेंटर। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक वीडियो में बोला था कि नेवी को 3 एयरक्राफ्ट तो चाहिए ही चाहिए। लगता है दोस्तों हमारी वीडियो कोई गवर्नमेंट से भी कोई थर्ड पर्सन देखता है। अभी कुछ दिनों पहले ही फ्राइडे की एक खबर आई है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने इंडिजिनियसली बनाने के लिए सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर की मंजूरी दे दी है। फ्राइडे के दिन राजनाथ सिंह जी ने कहा कि सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर पे काम शुरू हो चुका है, अभी फिलहाल सेकेंड जो एयरक्राफ्ट है नेवी के लिए चाहिए वो हम वापस बनाने जा रहे हैं। अभी फिलहाल नेवी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स यूज करती है, पहला विक्रमादित्य जो हमने रशिया से लिया है और जिसका अभी 10 साल का सर्विस हो भी चुका है सर्विस पीरियड, और सेकेंड अभी हम लोगों ने जो खुद का बनाया INS विक्रांत जो कि मेक इन इंडिया के तहत। अभी सेकेंड एयरक्राफ्ट को पहले बोला गया था कि हम कुछ 75 to 80 tons, मतलब 65 से लेकर 80 tons के बीच में उसको रखा जाने वाला था, और ये बनने वाला था विथ कैटापुल सिस्टम वाला फ्लैट टॉप। ठीक है, फ्लैट टॉप बनाने के लिए था और 65 to 80 tons का ये बनने वाला था हमारे पास। लेकिन अभी जो आया है इस पर डिस्कशन चालू है कि ये डिज़ाइन किस हिसाब से होगा। मैंने पहले वाले में कहा था कि बहुत कोई चाहते हैं, मैं भी इनफैक्ट बोला था नहीं इससे अच्छा है कि आप बना लो सेम टू सेम INS विक्रांत 2, ऐसा बहुत किसी ने बोला भी था। बट अभी पता नहीं, अप्रूवल तो मिल गया है बट व्हाट फॉर द डिज़ाइन एंड क्या है किस स्टेप से बन रहा है ये पता नहीं। लेकिन एक बात आपको बताते चलूँ, सेकेंड एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन बहुत पहले से उस पर काम चालू है। डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन बहुत सारे अलग अलग एकेडमिक इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर साथ काम कर रहे हैं फॉर द डिज़ाइन। तो अप्रूवल बहुत पहले ही मिल गया था, डिक्लेयर अभी शायद फ्राइडे को किया गया है, बट इसका डिज़ाइन पे काम काफ़ी दिनों से चालू है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है फ्लैट टॉप ही बन जाए, वी डोंट नो, बट इट इज़ डिक्लेयर्ड कि हमले को वापस एक एयरक्राफ्ट हम बना रहे हैं, ये मेन बात है। ठीक है, राजनाथ सिंह जी ने जो कहा उसका डायरेक्टली मतलब बहुत कोई निकाल रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन चालू हो चुका है, नहीं कंस्ट्रक्शन का बात उन्होंने नहीं किया है। मेरे हिसाब से मेरा जो सोच है या मेरा इन्वेस्टिगेशन जो कहता है, उन्होंने यही बोला है कि वी हैव गिवन द अप्रूवल फॉर द थर्ड एयरक्राफ्ट और उस पर काम चालू हुआ है, मीन्स डिजाइन एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन विथ अ फुल फोर्स, फुल फेज में जा रहा है, ये फुल स्विंग में चल रहा है। अभी जैसे ही डिजाइन वंस अप्रूव्ड बाय नेवी एंड द डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन, इन दोनों के तरफ से जब दिया जाएगा और वो जब आपका डिज़ाइन जो है अप्रूव हो जाएगा, देन दे विल मूव फॉरवर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन, जहाँ तक मुझे ये लगता है। एक बात बताता चलूँ, एयरक्राफ्ट कैरियर पर लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं, मतलब अलग अलग विचारधाराएं रखते हैं बहुत सारे लोग। एक बात बता दूँ, कुछ लोगों का कहना है कि INS विक्रांत का सेम टू सेम कॉपी बना लेना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि एयरक्राफ्ट कैरियर पैसे की बर्बादी है, एक मिसाइल लगा और वो हिट हो गया। मैं पहले भी बता चुका हूँ एयरक्राफ्ट कैरियर कभी अकेला नहीं चलता है, और एयरक्राफ्ट कैरियर को मारना कोई खाने का काम नहीं है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हिट एन एयरक्राफ्ट कैरियर, क्योंकि वो अपने साथ पूरा जंगी बेड़ा लेके चलता है, वो अकेला कभी नहीं चलता है। तो ये एक गलत सोच है कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर पैसे की बर्बादी है, और ये वही लोग बोलेंगे आप देखना जो मतलब उतना ज़्यादा इंडल्ज नहीं है या उतना रिसर्च नहीं करते हैं इसके ऊपर। फिर भी मैं तो बोलूँगा, बहुत लोग बोलते हैं कि सबमरीन्स भी उससे अच्छा ले लेना चाहिए इंडिया को इनफैक्ट ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर, बट आप कोई भी चीज़ का दूसरा चीज़ रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। सबमरीन्स का काम अलग है, एयरक्राफ्ट कैरियर का काम अलग है, और एयरक्राफ्ट कैरियर एक डिटरेंस आपका बना के देता है आपके एरिया में, नो डाउट इसमें। ठीक है, अगर पहला पॉइंट को पकड़े कि INS विक्रांत की जैसा सेम बनना चाहिए, तो आप पकड़ के चलो ये ओपिनियन दूसरे वाले से तो बहुत अच्छा है, और ये तब अच्छा है जब हमारे पास कुछ नहीं है, मतलब दूसरे पे हम जा नहीं पा रहे हैं, हमको दे दिया नहीं जा रहा है, तो हम ठीक है नहीं कुछ से अच्छा सेम टू सेम INS विक्रांत बना लें। लेकिन आप एक याद रखो कि इसमें पावर लिमिटेड होता है, जो अपना स्टोबर कैरियर जो रहते हैं इसमें पावर लिमिटेड होता है, आप हैवी एयरक्राफ्ट इससे नहीं उड़ा सकते हैं, जैसे कि आपका अवैक्स हो गया जो एक मोबिलिटी वाला आपको रडार देता है, अवैक्स आप इससे उड़ा नहीं सकते हैं, सी किंग हॉक आप इससे उड़ा नहीं सकते हैं। तो बड़े एयरक्राफ्ट इस पर उड़ाना काफ़ी भारी गिरता है क्योंकि ये स्टोबर में है। कैटापुल में एक ही फायदा होता है कि ये आपको
हैवी पेलोड के साथ, मैक्सिमम पेलोड के साथ ऑटोमेटिकली आपको एज अ गुलेल में कैसे छोड़ते हैं वैसा उड़ा के देता है ये, तो ये बहुत अच्छा बात है। कुछ लोगों का ये भी कहना है पॉइंट में कि हम लोगों को INS विक्रांत के जैसा ही बनाना चाहिए बट फ्लैट टॉप, मीन्स उतना ही बड़ा 45,000 टन का उसका डिस्प्लेसमेंट हो बट स्टोबार नहीं हो के फ्लैट हो, ये भी ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स में मैं तो बोलूँगा सबसे अच्छा ये है, क्योंकि फ्रांस भी ऐसा ही यूज़ करता है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं रखता बट फ्लैट टॉप रखता है। लेकिन इसमें एक बात बताते चलूँ, मेरे ओपिनियन के हिसाब से जब आप बना ही रहे हो फ्लैट टॉप तो गो विद द बिगर वन, गो विद द बिगर वन, बिकॉज आप समझो आपका जो डिटरेंस है वो किसके साथ करना है आपको, पाकिस्तान वाकिस्तान को तो अपने जोड़ते नहीं, अपना मेन अपना जो बोलिएगा दुश्मन है वो तो चाइना है, वी लुक फॉर द चाइना। तो चाइना जो अभी बना रहा है वो समझो आप चाइना का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इट इज़ अराउंड 70,000 to 80,000 टन का डिस्प्लेसमेंट वाला है, वो एक साथ में 70 से 80 लेके उड़ सकता है। वहीं अगर हम विक्रांत का बोले तो विक्रांत इज हाफ ऑफ दैट, हाफ ऑफ दैट, विक्रांत में टोटल आपका संख्या आ जाएगा 30 से 40, मतलब 27 + 10 हेलीकॉप्टर्स वगैरह लेके, तो 40 आप अप्रोक्स पकड़ के चलो। बट चाइना वाला जो बन रहा है, जो जो बना रहा है वो दैट इज फॉर 70 to 80 एयरक्राफ्ट, तो वी शुड ऑल्सो गो विथ 65,000 टन और 70,000 टन जो पहली बात हुई थी। बिकॉज देखिए आपको मैच करना पड़ेगा अपना एनिमी के साथ, ऐसा नहीं कि उसका बड़ा है और आप छोटा बना रहे हैं, नो, ये तब अच्छा है जब आप नहीं बनाने कोई अप्रूवल ही नहीं मिला, अभी तो अप्रूवल मिल गया, गो विद द गुड वन एंड डू विद द बेस्ट व्हाट यू वांट। फिलहाल देखते हैं, सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि अप्रूवल मिल गया है एंड इट इज अ वेरी बिग डे फॉर नेवी कि उनका अप्रूवल, और ये इंटरनली पहले भी मिल गया रहेगा, डिक्लेयर शायद फ्राइडे को हुआ है, क्योंकि बहुत सारे डिफेंस की चीज़ें इमिडिएटली डिक्लेयर नहीं की जाती हैं, इसको छुपा के ही रखा जाता है। तो होप हमें सबमरीन्स भी चाहिए, हमें पी ए टाइप पोसाइडन एयरप्लेन्स भी चाहिए, सबमरीन हंटर्स प्लस अवैक्स भी चाहिए ही चाहिए, और एयरक्राफ्ट कैरियर भी चाहिए। और वापस से ऐड कर दूँ इसमें भी, कोई गवर्नमेंट वाले सुन रहे हैं तो आप लोग आर्टिफिशियल आइलैंड के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए, दो दो एक्स्ट्रा बना दीजिए दोनों साइड पे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।